जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का साहित्य का विकास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर 2022 में अगर आप बोर्ड देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, अब हम ओनली 65 क्वेश्चन करेंगे, यानी 65 क्वेश्चन, ये हमारा सेट वन है। हम 65 क्वेश्चन भी करेंगे और आधा बाद में करेंगे। ठीक है, जो बच्चे का उसको मैं बाद में कर दूँगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो अपने में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को तुम लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और एक पहला कमेंट कर दीजिए जो हमें भी मोटो मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला हमारा दिया है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, जो 2014 और 2016 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्र के प्रथम संपादक तो श्याम सुंदर दास। फिर आनंद कादम्बरी पत्रिका संपादक करते थे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये 2011, 2015, 2019, 2020 में पूछा गया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2020 में भी पूछा गया था। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। फिर है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तो तब की बात और थी। फिर निम्नलिखित में से अष्टायाम की भाषा है तो ब्रिज भाषा है। दोस्तों अगर इसका मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया तो 1880 ईस्वी में। फिर बाल बोधि पत्रिका संपादक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2013 और 2016 में पूछा गया था। नौ क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु के लेखक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। फिर हिंदी प्रदीप के संपादक थे तो बाल कृष्ण भट्ट, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप के संपादक 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 में पूछा गया था, बाल कृष्ण भट्ट। फिर चंद्रकांता संतत रचना है तो द्विवेदी युग की है। फिर ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे। फिर सरस्वती पत्रिका है तो द्विवेदी युग की है, जो सरस्वती पत्रिका है दोस्तों द्विवेदी युग की है। फिर भारतेंदु युग के लेखक हैं तो बालकृष्ण भट्ट है। फिर भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो कवि वचन सुधा का हुआ है। फिर भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो सरस्वती नहीं है। ठीक है, और जो आनंद कादम्बनी हरिश्चंद्र चंद्रिका ब्राह्मण ये है और सरस्वती पत्रिका ये भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है तो काशीनागरी पचाड़ी सभा ने। फिर काशीनागरी पचाड़ी की सभा का स्थापना तो श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2012, 2013, 2014 में पूछा गया था, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 बोर्ड में आने वाले हैं। 1900 क्वेश्चन है हमारा, नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी तो भारतेंदु युग में। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं तो गुलाब राय। द्विवेदी युग के किसके नाम पर पड़ा तो महावीर प्रसाद जी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। फिर द्विवेदी युग के निबंधकार तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो 1903 ईस्वी में, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जी सरस्वती पत्रिका के 1903 में संपादक बने। फिर दौलतपुर यानी रायबरेली उत्तर प्रदेश, जो दोस्तों रायबरेली है उत्तर प्रदेश में साथ पड़ता है, ये जन्मस्थान है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर निम्नलिखित में से असत कथन है तो प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, जो 2014 में पूछा गया था। फिर निंदा रस निबंध के रचनाकार तो हरिशंकर परसाई, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2011, 2013, 2016, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का भी लाभ ले सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला है हमारा, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया तो पृथ्वी पुत्र। चिंतामणि के रचनाकार हैं तो चिंतामणि के रचनाकार दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों इस तरफ ही पूछ सकता है चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है तो भाषा की शक्ति। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक तो डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर अशोक के फूल निबंध है तो ये ललित है, जो अशोक के फूल है दोस्तों ये ललित निबंध है। फिर सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है तो दोस्तों निंदा रस। ठीक है, निंदा रस। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तो दोस्तों पगडंडियों का जमाना,
ये निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार नहीं है, तो प्रेमचंद्र। और दोस्तों ये जो तीन दिया हुआ है हमारे निबंधकार हैं, और प्रेमचंद जी जो दोस्तों ये उपन्यासकार है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये उपन्यासकार है, आप लिख लेना उपन्यासकार है। फिर है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है हिंदी गद की विधा है, तो ये निबंध विधा है, ठीक है। फिर आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक, तो बिशुल प्रभाकर। अब दोस्तों अगर आपसे पूछेगा किसी एक जीवनी लेखक का नाम, तो आप बता देना बिशुल प्रभाकर, उनकी रचना का नाम तो आवारा मसीहा। फिर है कलम की सिपाही जीवनी विधा की रचना है, तो दोस्तों कलम की सिपाही अमृत राय, ये भी एक जीवनी लेखक हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हैं किसी एक जीवनी लेखक का नाम, तो अमृत राय उनकी एक विधा की रचना, तो कलम की सिपाही। फिर कलम की सिपाही किस विधा की रचना है, तो दोस्तों जीवनी विधा है। फिर है बिशुल प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, तो शरदचंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो दोस्तों अशोक के फूल, ठीक है। इसे आप अपने कॉपी पेज में लिख लीजिए अच्छे से, अशोक के फूल जितने भी इम्पोर्टेंट हैं 2022 में आने वाले, इसमें से एक नए क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला करते हैं, अगला है हमारा सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, तो उपन्यास है, ठीक है। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, तो ये उपन्यास है। फिर निम्नलिखित में से नाटक है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है। निम्नलिखित में से नाटक है, तो चंद्रगुप्त। दोस्तों आप कमेंट में बताना कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया है। अगला करते हैं, फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवसामनी की रचना विधा है, तो नाटक है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, गोदान निर्मला रंगभूमि, ये दो तीन दिया हुआ दोस्तों, ये हमारा उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ये त्यागपत्र ये जिनेंद्र कुमार का है, जिनेंद्र कुमार त्यागपत्र। फिर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास दोस्तों है परीक्षा गुरु। क्या दोस्तों, परीक्षा गुरु। फिर अगला करते हैं, अगला है हमारा संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक, तो श्रीनिवास दास, ठीक है। फिर है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो छायावाद युग में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य लोचन गद्य की विधा है, तो दोस्तों ये आलोचना, ठीक है। फिर मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, तो ये कहानी। फिर हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो 1936 ईस्वी में। फिर मधुवा कहानी के रचनाकार, तो दोस्तों हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। मधुवा कहानी के रचनाकार, मधुवा कहानी विधा है, तो हमारी कहानी विधा है। फिर राग दरबारी की रचना विधा है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ना कविता ना निबंध, ना ही कविता ना ही निबंध है। फिर नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, दोस्तों ये उपन्यास विधा है, नूतन ब्रह्मचारी। फिर हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है, दोस्तों ये बलिदान, ठीक है। मैं दोस्तों आपका टाइम बिना वेस्ट किए मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगर आप वो बोर्ड देना चाहते हैं 2022 में क्लास 12th का, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को पूरा कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इसे याद कर लीजिए। फिर एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या इस तरह से पूछ सकता है कि हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों आप देखे होंगे दीपदान, जो दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप कमेंट बताना रामकुमार वर्मा द्वारा किसी एकांकी का नाम या दीपदान किसकी एकांकी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिव मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं भी जानूं कि हाँ कोई मेरा वीडियो देखता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब कमेंट करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो 59 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लिखा गया है, तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट और कर देना कि रेशमी टाई कौन सी विधा है, ये 2020 में आया था रेशमी टाई, जो मेरी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। रेशमी टाई कौन सी विधा है और किसके द्वारा लिखा गया है, आप कमेंट करना ढूंढ ढांड के, या मैं अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ प्यार से कमेंट करना कि सर आप बता दीजिए, तो मैं यार से बताऊंगा कि रेशमी टाई कौन सी विधा है, ठीक है। फिर है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है, तो बियोघरी। फिर भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, तो दोस्तों श्रद्धाराम फुल्लौरी। फिर केदारनाथ पांडे के इस लेखक का वास्तविक नाम, तो राहुल संग्रत्यान का है, जो 2012-14-15 में पूछा गया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, तो राहुल संग्रत्यान जी का। फिर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में किसकी रचना है,
तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है तो रिपोर्टाज एक दोस्तों किसकी रचना है आप कमेंट में बताना है ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम फिर क्या भूलो क्या करूँ रचना विधा है तो दोस्तों आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है दोस्तों ये तो नीड का निर्माण फिर गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है तो नीड का निर्माण फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है तो नीड का निर्माण तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए अपने जो इसमें वोट देना चाहते हैं ठीक है। तो हमारा 65 क्वेश्चन पूरा होता है फिर अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।